पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बिना किसी भी तैयारी के अगर कोई जाए तो वो जीवित नहीं बच सकता। पर हमारे सौर मंडल में कुछ ऐसी खतरनाक और भयानक जगहें हैं जहां पे पूरी तैयारी के साथ भी अगर इंसान जाए तब भी वो जीवित वापस नहीं लौट सकता। तो आइए जानते हैं हमारे सौर मंडल की सबसे खतरनाक अजीबो गरीब और जानलेवा जगहों के बारे में। नेपच्यून। नेपच्यून ग्रह की दूरी सूरज से काफी दूर है, जो 2.8 बिलियन माइल्स है। नेपच्यून को सूरज का एक चक्कर लगाने में 165 साल लग जाते हैं। इस विशाल ग्रह के वायुमंडल में गोलदार घुमावों से घूमती हुई पानी की प्रचंड लहरें हैं और बर्फ की चट्टानें। नेपच्यून पे बेहद तेज हवाओं के झोंके भी आते रहते हैं जिनकी स्पीड 700 मील पर घंटे की होती है। इतनी रफ्तार से चलने वाली ये हवा आपकी खाल उतार देने के लिए काफी है, और साथ में इस हवा में मौजूद बर्फ के टुकड़े किसी का क्या हाल करेंगे उसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। वीनस ग्रह। वीनस ग्रह के गाढ़े और तूफानी वायुमंडल ने इस ग्रह को एक सूखा और बंजर ग्रह बना दिया है, जहां पर जबरदस्त गर्मी, प्रेशर और जहरीली गैसें कैद रहती हैं। इस ग्रह की सतह पर टेम्परेचर 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जो लीड को भी पिघला देने के लिए काफी है। और वीनस ग्रह पर पाया गया एयर प्रेशर हमारी पृथ्वी ग्रह से भी 90 गुना ज्यादा है। इस ग्रह की धरती पर कुछ जगह लावा भी बहता रहता है, जिस वजह से अगर कोई इंसान इस जगह पर चला जाए तो उसका दम घुट जाएगा, वो पिस जाएगा और उसका शरीर जल के खत्म हो जाएगा। इन सब चीजों को होने में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन वीनस ग्रह की सतह पर पहुंचने के लिए सबसे पहले वायुमंडल में फैले सल्फरिक एसिड से बचकर निकलना पड़ेगा, जो आपको पहले ही नष्ट कर देगा और बाद में होने वाली चीजों की नौबत ही नहीं आएगी। जुपिटर का 300 साल पुराना तूफान। अगर आप जुपिटर की ग्रेविटी से खींचे चले गए तो आपकी तुरंत वहीं की वहीं चटनी बन जाएगी, जो इस पूरे सोलर सिस्टम की सबसे शक्तिशाली फोर्स है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुपिटर में पाया जाने वाला लिक्विड हाइड्रोजन से बना समुद्र इतना ज्यादा दबाव के अंतर्गत आता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन खुद निचोड़कर निकल जाते हैं, जिससे लिक्विड का विद्युतीकरण यानी लिक्विड इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। जुपिटर का वायुमंडल भीषण और भयानक तूफानों का घर भी है, जिसमें ग्रेट रेड स्पॉट नाम का तूफान भी शामिल है, जो पिछले 300 सालों से कायम है और इसकी साइज पृथ्वी ग्रह से दुगनी है। इस तूफान की हवा की रफ्तार 270 मील प्रति घंटे की है, तो अगर कोई इंसान जुपिटर पे जाने का प्लान बनाता है तो उसे ये उम्मीद करके जाना चाहिए कि वहां पहुंचते ही उसका शरीर फट जाएगा और उसका नामो निशान मिट जाएगा उन बेरहम तूफानों से या इलेक्ट्रिफाइड झीलों से। गैस जायंट सैटर्न। सैटर्न एक सुंदर सा दिखने वाला ग्रह है, जो चारों तरफ रंग बिरंगे छल्लों से लिपटा हुआ है, जो इस ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। पर इस ग्रह में चलने वाली हवाएं किसी भयानक विस्फोट से कम नहीं है। इनके चलने की गति 1118 मील पर घंटे की है। आप सोच रहे होंगे कि इस गैस से बने विशाल ग्रह में बनने वाले प्रेशर के तले आप कुचल जाएंगे, पर उससे पहले वहां पे 1118 मील पर घंटे चलने वाली हवाओं से वहां पहुंचे किसी भी इंसान का शरीर कई टुकड़ों में बट जाएगा, या फिर हो सकता है कि उससे पहले ही वो वहां पर मौजूद प्रेशर से दब कुचल या फट जाए। जुपिटर मून आयो। जुपिटर ग्रह के चांदों में से एक आयो नाम का ये चांद पूरे सोलर सिस्टम में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वॉल्केनिकली एक्टिव बॉडी है। इसका मतलब ये है कि ये जगह पिघले हुए लावे से ढकी हुई है, और यहाँ पर पाए जाने वाले बेहद विशाल ज्वालामुखी इतनी बुरी तरह से लावा उगलते रहते हैं जिनकी ऊंचाई आसमान में 200 मील तक पहुंच जाती है। इस जगह पर इतना ज्यादा लावा है कि आयो की सतह का ज्यादातर भाग लिक्विड है। ये जगह एक तरह से अंतरिक्ष में तैरता हुआ नर्क है। इसके बारे में और खतरनाक बातें जानी जाए तो इस जगह पर पिघले हुए सल्फर की झीलें बहती हैं। यहाँ पे बहुत ही गंभीर और खतरनाक रेडिएशन और बेहद बड़े इलेक्ट्रिक करंट की उत्पत्ति होती रहती है, जिस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी आवाज के साथ धमाके होते रहते हैं जो लावा के बने हुए होते हैं। हालांकि नासा ने दावा किया है कि आयो नाम का ये चांद एक पिज्जा जैसा देखने में लगता है।
सौरमंडल का सबसे ठंडा चांद। सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स होने में नेपच्यून बाजी मार ले जाता है, जिसके पास 13 चांद हैं। इनमें से एक चांद का नाम है ट्राइटन। ट्राइटन हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाने वाली सबसे ठंडी जगहों में से एक है, जहाँ की सतह का तापमान करीब -391 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है। अगर इसकी तुलना करके देखा जाए तो 0 डिग्री केल्विन सबसे कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, जहाँ पर एटम्स तक की चाल रुक जाती है और वो लगभग -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ट्राइटन सोलर सिस्टम के 4 वॉल्केनिकली एक्टिव जगहों में से एक माना जाता है, जहां पर क्रायो वॉल्केनोस नाम के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये गर्म लावा उगलने वाले ज्वालामुखी नहीं हैं, बल्कि क्रायो वॉल्केनोस नाम के ये ज्वालामुखी लावा की जगह बर्फ और खतरनाक अमोनिया उगलते हैं। अगर आयो नरकीला ग्रह है तो ये ग्रह आयो का ही ठंडा और जमा हुआ रूप है। यहाँ पर आदमी पहुंचते ही तुरंत जम जाएगा, और हो सकता है क्रायो वॉल्केनो से निकलने वाले उड़ते हुए बर्फ के धारदार टुकड़े शरीर के चिथड़े उड़ा दें। जानलेवा मार्स। हम मार्स पर रहने का प्लान बना रहे हैं और पृथ्वी के बाद मार्स को इंसान के रहने का ठिकाना समझा जा रहा है, पर हम ये एहसास नहीं कर पाए हैं कि मार्स प्लैनेट का वायुमंडल और वातावरण इतना फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पर धूल से भरी आंधियाँ घंटे भर के अंदर ही पनपने लगती हैं, जो पूरे ग्रह को ढक लेती हैं, और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। इसी वजह से ये जगह उतनी शांत नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। मार्स पे पाई जाने वाली हेलास बेसिन नाम की जगह, जो एक क्रेटर है, इसकी गहराई 23,465 फीट गहरी है। इसी जगह को इन धूल से भरी आंधियों के उत्पन्न होने की वजह माना जाता है, क्योंकि इस क्रेटर के तल के तापमान में सतह पर पाए गए तापमान से 10 डिग्री का फर्क है। इन्हीं टेम्परेचर में अंतर होने की वजह से ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को जन्म दे देते हैं, जो अपने अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में धूल और गर्ते को समेट लाती हैं, जो आपस में मिलकर दहकती हुई धूल से भरी आंधी का रूप ले लेती है। मंगल ग्रह पर जाने से इंसान की मौत 3 दर्दनाक तरीकों से हो सकती है। पहला, बिना ऑक्सीजन के दम घुट जाना। दूसरा, वातावरण में निगेटिव प्रेशर होने से कान के पर्दे फट जाना। और 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले खतरनाक तूफानों से शरीर का टुकड़ों में चिर जाना।